हेलो गाइस, मेरा नाम है जिमी आटा। पूरे लॉस सैंटोस से बजा दूंगा उल्टे हाथ का चाटा। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हालचाल? आई होप अच्छे होंगे। तो भाई फिलहाल आप देख ही रहोगे जिमी की उल्टी सीधी हरकतें। आज तो जिमी ने अपना होलिया ही बदल लिया। आपको पता है लास्ट एपिसोड में, मतलब कि लास्ट इसके व्लॉग में, जिमी ने मजा उठाया। जिमी ने पैसे बनाए, $6 मिलियन कमाए अपनी मेहनत से। वैसे चोप की और फ्रैंकलिन की भी थोड़ी मेहनत थी। इसने अपनी लाइफ का फर्स्ट प्लेन खरीदा, बाइक भी खरीदने वाला है, बोल के रखा हुआ है बाइक वाली आंटी को कि बाइक लेकर के आओ। अब ये अपने दम पे अपना खर्चा चलाने लग गया। फिर भाई पैसे लेकर के आया, देख रहे हो इसको? अबे नमूने, तू यार कभी नहीं सुधरने वाला। नए कपड़े, नई जैकेट, नए जूते। माइकल फिलहाल घर पर है ही नहीं और मजे लेने में लगा हुआ है। आपको पता है माइकल ट्रेवल बिजी चलते रहते हैं अपने काम के चक्कर में, और ये जिमी पूरे दिन घर में आयश रखता है। पूरे के पूरे दिन घर में नमूने की तरह भटकता रहता है, देखो कैसे घूम रहा है। तो फिलहाल भाई अभी आज हम और भी जरूरी काम करने वाले। फ्रैंकलिन का फोन आया कि जिमी आटे जल्दी से आ जा, तेरे लिए एक बहुत कमाल की बात लेकर के आओ। आज हम लोग, अगर हमारी प्लानिंग बिल्कुल ठीक रही, तो 24 घंटे के अंदर हम $20 मिलियन कमा सकते हैं। 24 घंटे के अंदर $20 मिलियन, भाई मजा आ जाएगा। तो देखना ये है कि अब वो कैसे कमाएंगे, कुछ ना कुछ तो हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो चलिए मैं जल्दी से निकलता हूँ। फिलहाल भाई जिमी आटे के पास यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, आपको पता है सारी सारी गाड़ी ट्रैवल घर पर ही होती है, तो इसलिए मजबूरी में सारा काम करना पड़ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी खड़ी हुई यहाँ पे साइकिल वगैरह उसको निकल के निकलते। जिमी आटे ने भाई देसी साइकिल निकाल ली अपने घर से। अरे मेरे प्यारे भाई, कोई अच्छी चीज निकाल लेता ना, इसी में कैसे काम चलने वाला है। आप भगा तो ले इसको भाई, इतना खा लिया कि तुझसे साइकिल नहीं चलाई जा रही। ओके भाई, फिलहाल जीवी में काफी दम आ चुका है, जीवी भागा। फिलहाल भाई हम लोग पहुंच चुके हैं जगह पर। ओके तो भाई फाइनली सामने ही खड़ा हुआ है ये तो फ्रैंकलिन। अबे इतनी भी क्या जल्दी थी भाई, घर के अंदर आने देता आटे को। हेलो, क्या हाल चाल है? चोपी कहाँ पर है? आज चोपी को नहीं लिया क्या? जीवी चोप सो रहा है, आज हम दोनों ही जाने वाले। वैसे भी हम जहाँ पर जाएंगे वहाँ पे काफी खतरा होगा, इसलिए चोप घर पर ही रहेगा। मैंने उसको बोल दिया और बांध दिया रस्सी से, वो घर रहेगा, खाना पीना खाएगा, ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से सुन, अब हम दोनों को निकलना है, चल जल्दी चल। मैंने भाई फ्रैंकलिन की सारी बातें सुन ली है। ओके फ्रैंकलिन अंकल जी, बैठो गाड़ी में। ये भाई एक नंबर का चोर है और इससे भी चोरी करवाने वाला है, तो ठीक है भाई। जिमी को बोला है फ्रैंकलिन ने कि जिमी मैंने पता लगाया, लेमार का मेरे पास फोन आया है, आज एक डील चल रही है इलीगल गोल्ड की, जो इस गोल्ड की वैल्यू है $40 मिलियन। बट हमने 20 क्यों बोला भाई? क्योंकि हम जब उसको चोराएंगे और उसको बेचेंगे तो भाई आपको पता है इलीगल गोल्ड है, किसी ऐसे ही बंदे को बेचेंगे आधे दाम में, किस जिससे क्या होगा, दिक्कत ना हो। नहीं तो भाई आपको बताया हम पूरे दाम मांगेंगे, उसके पूरे प्राइस मांगेंगे तो नहीं मिलेंगे, और ऊपर से गैंग वाले हमला कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए चाहे आधे ही पैसे मिलेंगे ना, हम 40 के 20 ही मिल जाएंगे ना, हमारा काम बन जाएगा। फिर ये 20 आ रहे हैं, तो इसलिए अभी फ्रैंकलिन लेकर के जा रहा है अपने जिमी को एक ऐसी जगह पे जहां पे सीक्रेट गोल्ड की डील चल रही है। ये देख रहे हो, इनका लालच बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। आपको पता है लास्ट टाइम इनको 6 मिले थे, 6 मिलियन का सोना मतलब मिला था, अब की बार ये 20 पे पहुंच रहे हैं। मतलब धीरे धीरे गैंगस्टर की सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। बट भाई लालच बुरी बला होती है फ्रैंकलिन, पिछली बार जो हुआ था अब की बार फिर से, मतलब हर बार किस्मत साथ नहीं देती, कभी अब की बार तुम्हारा नेता बन जाए कोई, तुम्हें पकड़ के उल्टा पीट दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हम लोग फाइनली जगह पर आ चुके हैं, मीटिंग भाई लगभग हो भी गई है। फिलहाल एक पार्टी जो भाई लेकर के आए थे ना गोल्ड, उसने गोल्ड दे दिया है। जिमी बेटे ट्रेवर से तूने बाइनोकुलर चुरा के रखा है, वैसे खरीद लिया, इतनी महंगी चीज़ तो आती नहीं है, उसको यूज़ करते हैं। तो फिलहाल चलिए भाई देखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर डील चलने में लगी हुई है, काफ़ी बंदे हैं, गोल्ड भी है और एक बंदा चेक करने में लगा हुआ है इसको। इनके हाथ में वेपन्स भी, और पता नहीं कौन सी गैंग है। जिमी यार फ्री में तो क्यों पंगे ले रहा है, एक तो ट्रेवर ही बहुत है, अब तू भी ये लालच के चक्कर में। और देख रहे हो एक ट्रोली है भाई, 20 मिलियन का सोना है इसी में, मतलब 40 मिलियन का सोना है इसी में, हमें तो 20 मिल जाए बहुत है। तो ठीक है भाई, स्ट्रेटजी बनाते हैं, जब करना है तो कर ही लेते हैं। फ्रैंकलिन भैया जी क्या करना है, सीधा जाके मारे या फिर गाड़ी से टक्कर मारे, जैसे तुम बोलो ऐसे कर लेंगे। फ्रैंकलिन बोलता है जिमी एक काम करते हैं, पहले गाड़ी से जाकर उनको टक्कर मारते हैं और फिर आराम से गाड़ी में बैठे बैठे सभी को मार के सोना अपनी गाड़ी में डाल के निकल लेंगे। और भाई आप देख रहे हो जिमी अब की बार लाया मिनी गन, अमेजिंग लेवल का नमूना है। इसने चोरी कर ली घर में से यार, टॉर्चर रूम में से लाया होगा निकाल के, गारंटी से वहां पे काफी वेपन रखे रहते हैं ड्राइवर के। तो मेरे प्यारे फ्रैंकलिन भैया जैसा तुम बोल रहे हो ऐसा प्लान काम नहीं करेगा, गाड़ी से टक्कर तो मार लेंगे बट हमारे पास वो वाली गन नहीं है जिसको गाड़ी से चला सकते हैं, मिनी गन को हम कार से यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ टक्कर मारने वाला प्लान फेल करते हैं, हमारे पास जब भाई मिनी गन है, राजा है सभी गन की, आपको बताइए एक नंबर गन है, तो सीधा सीधा यहीं से खत्म करते हैं। एक काम कर फ्रैंकलिन बाहर आ जा, जल्दी से मारना है तो नॉर्मल तरीके से ऐसे ही मार डालते हैं। आओ भाई। ओके भाई, वैसे काफी दूर है बंदे, तो एम लेने में थोड़ी दिक्कत तो होने वाली है बट फिर भी बंदो खत्म कर देंगे। ये ले मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, खत्म कर जिमी, खत्म कर आटे, नहीं तो गोली लग जाएगी। ओके बंदे खत्म, चलो 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 फ्रैंकलिन अंकल, बंदे मर गए, गाड़ी में बैठो फटाफट से, इससे पहले पुलिस यहाँ पर आए, बाकी बैकअप वाले बंदे यहाँ पर आए, लेकर के निकलते हैं और इसको फिर बेचना भी हमें। चलो चलो चलो। ओके भाई हम लोगों ने सारा काम कर दिया है, परफेक्ट। ट्रॉली को गाड़ी में डालते हैं, आ जा भाई फ्रैंकलिन, ट्रॉली उठवा और गाड़ी में डाल। अरे अरे भाई कैसे मर गए, सो सॉरी। अरे जिमी यार गलत बात है, हम लोगों ने भाई फिलहाल गाड़ी में ट्रॉली डाल ली है, अभी तक तो कोई गैंग वाला बंदा नहीं आया, ना ही पुलिस वाले बंदे आए हैं, बहुत बढ़िया। वैसे ऐसे सुनसान एरिया में मीटिंग होती रहती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, और कद्दू कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा।
बहुत ही अच्छे तरीके से काम हो गया। चलिए मेरी प्यारी गाड़ी भाई, ऐसी भी गाड़ी जिसकी भी ली है ना फ्रैंकलिन ने, अमेजिंग है ये, बहुत बढ़िया रहती है, परफेक्ट रहती है। बड़ी गाड़ी तो बड़ी होती है, बाकी सुपर कार जो होती है वो ऐसी नहीं होती, मतलब आपको बताइए उसकी हाइट थोड़ी कम होती है और रोड से लग के चलती है, थोड़ा सा स्पेस होता है बस। चलिए फिलहाल निकलते हैं, तो फ्रैंकलिन से बात करते हैं। फ्रैंकलिन भैया जी, अब कहाँ बेचना है इसको, उसी बंदे को, उस हसमुख को या फिर किसी और को? उस हसमुख का भाई लास्ट टाइम मैंने नंबर ले लिया था, एक काम करते हैं उसको दोबारा फ़ोन लगाते हैं कि हसमुख भैया जी एक और डील करनी है आपसे। देखो पापा को मत बताना, मतलब माइकल को मत बताना, पैसा है तो बताओ, लेकर के आ जाओ, मैं लेके जाता हूँ ट्रॉली, जितने पैसे देगा 20 से कम नहीं लूँगा, 20 से ऊपर देगा तो आराम से ले लेंगे। भाई हम लोग जगह पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हसमुख खड़ा तो हुआ है लास्ट टाइम जिससे हमने डील करी थी, बट बंदे का पैसे नहीं है, क्यों यार कहीं चीटिंग तो ना कर रहा है? हेलो ब्रो, हेलो चाचा जी, आपने बोला था कि पैसे वगैरह की डील हुई थी हमारी, आपको याद है ना, आपने बोला था पैसे आप लेकर के आ रहे हो, ऐसा तो दिख नहीं रहा मुझे, अब की बार तो पैसे वैसे भी ज़्यादा लेने लास्ट टाइम से। भाई चाचा मुझे बोलते हैं कि जिमी बेटे तेरे को छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए, बड़ी सोच, तुझे सोना मुझे दे, मेरे ऊपर रिस्क खेल, मैं इसको लॉटरी में लगाने जा रहा हूँ, मतलब कि कसीनो में लगाने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं इससे थोड़ा सा खेलूंगा जुआ वगैरह, और मैं इसको 3 गुना तेरे को बढ़ा करके दूंगा, मैं तेरे को, तेरा ये 40 है ना, तुझे 20 चाहिए था, मैं इस 40 को तुझे 120 बना के दूंगा, ये मेरी जबान है। 120 मिलियन की बात बोल रहा है भाई, लालच बुरी बला है, क्या करे, फिलहाल वैसे जल्दी पैसे कमाने तो चाचा को भरोसा कर ले। फ्रैंकलिन ब्रो बोलो, ये तो कुछ भी नहीं है, फिर 120 मिलियन मिलेंगे। चलो ठीक है चाचा, ले जाओ आप पूरी ट्रॉली, मैं शाम को आपको फ़ोन करूँगा, बट देखना ये चाचा धोखा मत देना प्लीज़, और अगर हार जाओ तो चलो कोई बात नहीं, हम आपस में ही हारेंगे भाई, देखो सीधी सी बात है कसीनो में बंदा जीतता भी हारता भी है, बट अगर जीत गया तो मजे मजे। ठीक है ठीक है, आप ट्रॉली में आपको देता हूँ। हम लोगों ने भाई चाचा को ट्रॉली गाड़ी से निकाल करके दे दी है, अब देखते हैं इसके ऊपर अंधविश्वास तो हमने कर लिया, बट अब ये भरोसे का निकलेगा बंदा नहीं निकलेगा वो तो बाद में देखी जाएगी, जो भी है अब तो हो गया, ये तो नुकसान होगा ये फायदा होगा। शाम को मिलते हैं इसके पास डायमंड कैसीनो में, देखते हैं ये बंदा हमें क्या देने वाला है, या तो 0 देगा या फिर 120 मिलियन देगा, और उसमें से फिर इसको भी थोड़े पैसे देने पड़ेंगे, देखो भाई 20-30 तो इसको भी देने पड़ेंगे, क्योंकि खेल तो यही रहा है ना मेरे, इसके पे पता चल जाएगा। रात हो चुकी है भाई, हम लोग डायमंड कैसीनो में पहुंच गए हैं, फिलहाल चाचा ने बोला डायमंड कैसीनो में पास में आ जाओ, पीछे की तरफ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, तो फिलहाल चलिए भाई हम लोग आ गए हैं, मैं और फ्रैंकलिन अंकल, हेलो जी आ जाइए। अरे भाई साहब लगता है चाचा ने कमाल कर दिया, धोती के फाड़ के रुमाल कर दिया, फ्रैंकलिन अंकल आ जाइए फटाफट से। अरे भाई 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 ये क्या हो गया, सच्ची में 3 ट्रॉली हो गई, हमने एक दी थी फुल भरी हुई है। हेलो चाचा क्या कर दिया, क्या रात को बैठ के करा क्या इनको, मतलब एक की 3 बना डाली। भाई चाचा बोल रहे जी मैंने बोला ही था मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ इस चीज में, कसीनो वगैरह में लूट के ले आए ना कसीनो वालों को। भाई 40 मिलियन की एक थी, अब इन्होंने आपको बताया इतना तगड़ा खेले 120 बना डाली, ये बंदा तो अपनी जबान का काफी पक्का निकला। फिर मैंने पूछे पीछे बंदे कौन खड़े, बोल रहा है कि यार जिमी इतना सारा मैंने गोल्ड जीता, कोई भी हमला कर सकता है, इसलिए मैंने कुछ बॉडीगार्ड्स हायर कर लिए फोन करके, ये मैंने बॉडीगार्ड्स रखे थोड़ी देर के लिए जब तक हम ये अपना सोना एडजस्ट नहीं करते। तो फिलहाल इसमें से इसने चाचा ने बोला कि एक मैं रखूंगा जिमी, 2 तू ले जा। तो फिलहाल भाई साहब अमेजिंग लेवल आपने वैसे कर दी चाचा, बट वैसे एक बात बताऊँ, सोना मुझे चाहिए नहीं था, मुझे कैश चाहिए था, आपने फिर से सोना दे दिया, बट देखा जाए तो फायदा भी हुआ, और हमने भाई 24 घंटे से कम में 120 मिलियन कमाए। देखो है तो सारे हमारे ही, मानता हूँ शेयर हो जाएगा, अब 20 मतलब 40 की चाचा ले जाएंगे, 40 की फ्रैंकलिन ले लेगा, 40 की मैं ले लूँगा, तो हमने 40 मिलियन डॉलर्स कमा लिया टोटल, देखा जाए तो 120 मिलियन। यार तुम कैसे खेलते हो ऐसे, हमें भी बता दो कसीनो में वगैरह वगैरह, ये तो डगन का हो गया रखा आज की डेट में, डगन तो लुट गया होगा, 120 का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो फिलहाल फ्रैंकलिन अंकल आ गए ना मज़े, एक आपकी ट्रॉली, एक मेरी और एक चाचा की, ठीक है अब बताओ करना क्या है, 40 मिलियन मिल गए हमें सीधा, भाई अमेजिंग। तो देखते हैं भाई, चलिए फिलहाल कुछ ज़रूर करेंगे हम लोग इसका सुबह, फिलहाल तो अभी वो लोग ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी रात होकर के रखी हुई, जिमी को सोना है, सामान एडजस्ट करना है, उसके बाद देखते हैं कि आखिर 40 मिलियन जो हमारे हिस्से के हैं उसका हम क्या करें, कुछ तो ज़रूर करेंगे। तब बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो के सुनने उतर के, ये वीडियो कैसे लगी, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।